मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवं योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयतखिलशक्तिधर सुधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादिन् प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्रिय दर्शक बंधुओं, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर नंदन कुमार तिवारी, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग से आप सभी के समक्ष ज्योतिष शास्त्र से संबंधित विषयों को लेकर के समुपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, आज उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग द्वारा जो स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है, उस पाठ्यक्रम से संबंधित जो प्रथम पुस्तक है, भारतीय ज्योतिष का परिचय एवं इतिहास, उससे जुड़ा विषय, उससे जुड़ा जो प्रथम इकाई है, प्रथम पाठ है, उसको लेकर के मैं आप सभी दर्शक बंधुओं के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, न कि केवल यह पाठ्यक्रम से जुड़े जो हमारे विद्यार्थी हैं वही केवल इस वीडियो को देखें, अपितु जो भी ज्योतिष शास्त्र के अध्येता हैं, जो ज्योतिष शास्त्र के प्रति अपनी आस्था रखते हैं, वह भी इसका ज्ञान अवश्य ही प्राप्त कर सकते हैं, इसका लाभ भी उठा सकते हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। तो मित्रों, आइए आरंभ करते हैं हम ज्योतिष शास्त्र, एमए ज्योतिष शास्त्र के पाठ्यक्रम से जुड़े प्रथम इकाई की ओर। तो प्रथम इकाई जिसका नाम है ज्योतिष शास्त्र का परिचय, तो मैं ज्योतिष शास्त्र के परिचय को आपको इस वीडियो के माध्यम से आप तब तक पहुंचा रहा हूं। मित्रों, सबसे पहले ज्योतिष शास्त्र के परिचय की यदि हम बात करते हैं, तो परिचय में सर्वप्रथम ज्योतिष शास्त्र किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो शास्त्रों में ज्योतिष शास्त्र के बारे में और इसके परिभाषा के बारे में अनेक उद्धरण हमें मिलते हैं। जैसे यदि हम प्रथम परिभाषा की बात करें, तो वेदस्य निर्मलम चक्षुः, ज्योतिष शास्त्रम अकल्मसम, विनयति दखिलम स्रोतम, स्मार्तम कर्मम न सिद्ध्यति। यह श्लोक आता है जो ये बताता है कि ज्योतिष शास्त्र की परिभाषा क्या है। कहता है कि वेदस्य निर्मलम चक्षुः, अर्थात वेद का चक्षु रूपी निर्मल अंग है ज्योतिष शास्त्र, और वो अकल्मस है। अकल्मस का मतलब होता है कि बिल्कुल वो निर्दुष्ट है, अर्थात वो दोष रहित है, उसमें कहीं भी कोई दोष नहीं है। और विनयति दखिलम स्रोतम स्मार्तम कर्मम न सिद्ध्यति, अर्थात यदि हमें ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान नहीं है, तो उसके बगैर हम श्रोतादि कर्म जो होते हैं, स्मार्त कर्म जो होते हैं, यज्ञादि कर्म जो होते हैं, वह कथम अपि संभव नहीं है कि हम उसको कर सकें ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान के बगैर। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र का मूल आधार ही था कि ऋषि जो यज्ञादि कार्य संपादित करते थे, तो उसमें काल निर्धारण का कार्य ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से किया जाता था। यह ज्योतिष शास्त्र का प्रधान कार्य था, इसलिए इसको एक काल शास्त्र भी के नाम से भी जाना जाता है। तो यह प्रथम परिभाषा है कि वेदस्य निर्मलम चक्षु ज्योतिष शास्त्रम अकल्मसम, अर्थात वेद का चक्षु रूपी अंग है ज्योतिष, जो अकल्मष है, निर्मल है, दोष रहित है, और वह यज्ञादि श्रोतादि स्मार्तादि कर्मों में वह मूलाधार है। उसका काल निर्धारण ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से किया जाता है। यदि हम दूसरे परिभाषा की बात करें, तो ग्रह गणितम ज्योतिषम, यह अति संक्षिप्त परिभाषा है। वो कहता है कि ग्रहों का गणित जहाँ हम करते हैं, उसका नाम ज्योतिष शास्त्र है। ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत हम ग्रहों की गणना करते हैं, इसलिए ग्रह गणितम ज्योतिषम, यह भी एक ज्योतिष शास्त्र की परिभाषा बनी। उसी क्रम में यदि हम आगे चलते हैं, तो ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहाणाम बोधकम शास्त्रम, ज्योतिष शास्त्र में प्रधान सूर्यादि नवग्रह हैं, उन्हीं नवग्रहों पे ज्योतिष शास्त्र जो है वो आधारित है, और उसके प्रत्येक स्कंध जो है वो आधारित है, इसलिए ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहाणाम बोधकम शास्त्रम ज्योतिष शास्त्रम। उसी के अगले क्रम में यदि हम और परिभाषा देखते हैं, तो हमें मिलता है कि सामान्यतया आकाशस्थानाम ग्रह नक्षत्रादि गति स्थिति प्रभाव आदि निरूपणम भवति अस्मिन् शास्त्रे तद् ज्योतिषम अपि भवति, अर्थात कहता है कि आकाश में स्थित जो ग्रह है, नक्षत्र है, तारा आदि पिंड जो है, उनकी गति स्थिति और उसके प्रभाव आदि का निरूपण हम जिस शास्त्र के अंतर्गत करते हैं, उस शास्त्र का नाम ज्योतिष शास्त्र है।
और यदि हम परिभाषा की बात करें तो हमें एक और परिभाषा महात्मा लगध के वेदांग ज्योतिष में प्राप्त होता है, जो है वेदा ही यज्ञार्थम अभिप्रवृता कालादि पूर्वा विहिताश्च यज्ञाः तस्मादिदं काल विधान शास्त्रम यो ज्योतिषम वेति स वेद यज्ञम। अर्थात वो कहता है कि ज्योतिष को यहाँ काल विधान शास्त्र बताया है, क्योंकि वह काल नियामक है, काल को वह बताता है, इसलिए इसका नाम ज्योतिष शास्त्र है। और विश्वेश्मिन समस्त चराचर प्राणी नाम सकलम अपि कृत्यम कालाभिभूतम वर्तते वयम जानीमः। जैसा कि हम सब जानते हैं कि विश्व के समस्त चराचर प्राणी काल से अभिभूत हैं, काल को छोड़ करके कालम विहाय कोपि जीवन यापनम करतुम न शक्यन्ते कथमपि न। अर्थात काल के विहा काल को छोड़ करके काल के अतिरिक्त सृष्टि के कोई भी प्राणी जीवन को यापन नहीं कर सकता है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। इसलिए ज्योतिष शास्त्र जो है वो काल विधायक शास्त्र है, काल विधान शास्त्र है, और इसको हम काल शास्त्र के रूप में भी जानते हैं। तो मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के इतनी सारी परिभाषाएं से अभी आप अवगत हुए। अब परिभाषा के आगे हम चलते हैं कि ज्योतिष शास्त्र का ज्योतिष शास्त्र के कितने स्कंद हैं, उसके मतलब कितने प्रकार हैं। ज्योतिष शास्त्र को हम यदि देखें तो कितने प्रकार के वो कहे गए हैं शास्त्रों में, तो उसके बारे में वराहमिहिर का एक पंक्ति है जो बृहत संहिता में उद्धृत है, ज्योतिष शास्त्रम अनेक भेद विततम स्कंधत्रयाधिष्ठितम। ज्योतिष शास्त्रम अनेक भेद विततम स्कंधत्रयाधिष्ठितम, यह वराहमिहिर की पंक्ति है जो इन्होंने बृहत संहिता नामक ग्रंथ में लिखा है। मित्रों, वो यद्यपि ज्योतिष शास्त्र बहुस्कंधात्मक है, यदि आप देखेंगे तो ज्योतिष शास्त्र के इतने स्कंद हैं कि उसका किसी एक वीडियो में उसकी चर्चा करना कथम अपि संभव नहीं है। परंतु प्रधान स्कंद उसके जो ज्योतिष के हैं, जो शास्त्रों में वर्णित हैं, वो कहते हैं कि स्कंधत्रयाधिष्ठितम, मतलब तीन स्कंद है उसको, तीन स्कंधों पर अधिष्ठित होकर के ज्योतिष शास्त्र को बतलाया गया है। तो प्रधान रूप से जो तीन अंग हैं उसमें प्रथम अंग है सिद्धांत, दूसरा अंग है संहिता और तीसरा है होरा या फलित। सिद्धांत में ही गणित इत्यादि आते हैं, तो जहाँ पे सिद्ध अंते यस सिद्धांत, यह बात करता है सिद्धांत ज्योतिष की, कि मतलब अंत में जो जाकर सिद्ध हो जाए उसका नाम है सिद्धांत ज्योतिष। भास्कराचार्य जी ने अपने ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि में सिद्धांत ज्योतिष की परिभाषा बताते हुए यह कहा है कि त्रुट्यादि प्रलयांत काल कलना मान प्रभेद क्रमांस चारश्च द्विसधाम द्विधाच गणितम प्रश्नास्तथा सुत्तरा। अर्थात त्रुटि आदि से प्रलय काल पर्यंत की गई काल गणना जिस स्कंध के अंतर्गत होती है उस स्कंध का नाम है सिद्धांत स्कंध। इसी को हम गणित ज्योतिष के भी नाम से जानते हैं, गणित और सिद्धांत। गणित में क्या होता है कि गणयते संख्यायते तद्गणितम, वहां पे गणना की बात होती है, और सिद्धांत में यह होता है कि हम उसको गोल के माध्यम से अथवा तर्क के माध्यम से, है ना, और हम ये सिद्ध करते हैं कि जो जो बात हम कह रहे हैं वह सिद्धांत के रूप में आचार्यों ने बतलाया है। जैसे उदाहरण के लिए हम यदि कह सकते हैं कि बड़ा सा जहाज, यदि हम बड़ा सा जहाज को देखते हैं तो नदी में वो तैरता है, परंतु एक एक ग्राम या दो ग्राम की जो पतली लोहे की सुई होती है वह सुई यदि हम नदी में डालेंगे, पानी में डालेंगे, तो वह डूब जाएगा। तो यह क्यों हुआ ऐसा, है तो वो भी लोहे का और वो बड़ा सा जहाज होकर के भी जो पानी में नहीं डूबता है, उतने वजन का होता है, 1000 टन का यदि हम जहाज को पानी में देखते हैं तो वो तैरता है, यह कैसे होता है। तो इसमें हमें सिद्धांत ज्योतिष को समझना पड़ेगा, यदि हम सिद्धांत को समझेंगे, गणित को समझेंगे, तो हम ये दोनों चीज़ों को समझ पाएंगे। यदि हम साइंस में भी पढ़ते हैं कि पानी का घनत्व से वस्तु का घनत्व यदि ज़्यादा होगा तो वो वस्तु तैरेगी, या कम होगा तो वो डूब जाएगी, तो यह भी एक सिद्धांत है। तो कहने का मतलब है कि सिद्धांत ज्योतिष जो है वो त्रुटि जो है काल का सबसे सूक्ष्मतम इकाई है, उसको हमारे आचार्यों ने, ऋषियों ने उसको त्रुटि की संज्ञा दी गई। तो वहाँ से शुरू करके और प्रलय काल पर्यंत जो सृष्टि का प्रलय होता है वहाँ तक जो काल की गणना की जाती है उस स्कंध का नाम है सिद्धांत स्कंध, तो जो ज्योतिष शास्त्र का प्रथम और प्रधान स्कंध है। दूसरा संहिता स्कंध है, संहिता स्कंध के अंतर्गत हम समस्त प्राकृतिक आपदाओं का ज्ञान करते हैं, साथ ही जो ग्रह बिंब और ग्रहचार वश जो घटनाएं होती हैं उसका भी हम उसमें वर्णन करते हैं, उसका भी हम अध्ययन करते हैं। और संहिता ज्योतिष के अंतर्गत जो है राष्ट्रव्यापी विश्वव्यापी जो चिंतन
हो सकता है उन चिंतन को हम संहिता ज्योतिष के अंतर्गत करते हैं। उसमें प्राकृतिक जितने भी पर्यावरण हैं है ना, और प्रश्न शकुनादि हैं, स्वप्न हैं, फिर इसके अंतर्गत वृक्ष का बिल्कुल एक अध्याय ही है बृहद संहिता के अंतर्गत, तो वृक्ष आयुर्धार का भी ज्ञान करते हैं, दकार्गल का हम इनमें ज्ञान करते हैं, दकार्गल का अर्थ होता है भूमिगत जल, वो भी हम संहिता ज्योतिष के अंतर्गत ही उसका जो है ज्ञान करते हैं, समर्घ का, महर्घ का मतलब कि सस्ता और महंगा है ना, कौन सी वस्तुएं कब सस्ती होंगी कब महंगी होंगी, तो इसका भी ज्ञान हम जो है संहिता ज्योतिष के अंतर्गत करते हैं, अतिवृष्टि का, अनावृष्टि का, वृष्टि का, ये सभी विचार जो है हम संहिता ज्योतिष के अंतर्गत करते हैं। संहिता ज्योतिष का जो दायरा है वो वस्तुतः बहुत ही विस्तृत है, उसमें हम यदि देखें तो समष्टि परक से लेकर के व्यष्टि परक से लेकर के समष्टि परक विचार जो है उसमें हमें प्राप्त होता है। और जो सबसे तीसरा स्कंध जो है, जो इसका प्रधान स्कंध है ज्योतिष शास्त्र का, वह है होरा या फलित। होरा या फलित, इसमें क्या होता है कि हम व्यक्ति विशेष का उसके जन्म स्थान, जन्म समय और जन्मकाल के आधार पे उसका जन्मकाल से लेकर के मृत्यु पर्यंत उसकी हम विवेचन करते हैं कुंडली, जन्म कुंडली के आधार पे, तो इसलिए इसका नाम होरा या फलित है। वस्तुतः इसका भी भाग जो है बहुत बड़ा है, और होरा के अंतर्गत न कि केवल एक व्यक्ति विशेष का अपितु हम अन्य जितने भी राष्ट्र संबंधी समस्याओं का भी समाधान के लिए जन्म कुंडली से उसका फलादेश कर सकते हैं। तो जो फलित पक्ष है ज्योतिष शास्त्र का वह होरा या फलित स्कंध के रूप में हम अध्ययन करते हैं, और जो गणित स्कंध है वो सिद्धांत के, और जो संहिता जैसा कि हमने पूर्व में बताया ही कि ग्रहचार वश और जितने भी प्राकृतिक तत्वों से जुड़ा विषय होता है उसको हम संहिता ज्योतिष के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो मित्रों, जब हम ज्योतिष शास्त्र के प्रधान स्कंध की बात करेंगे तो सिद्धांत, संहिता और होरा यही तीन स्कंध हैं, परंतु कालांतर में इसके और भी बहुत सारे स्कंध इसमें जुड़े, जिसमें प्रश्न शास्त्र है, शकुन है, वास्तु है, मुहूर्त है, अब तो पश्चिम ज्योतिष की यदि हम बात करेंगे, पाश्चात्य ज्योतिष की बात करेंगे तो टैरो कार्ड भी मिल जाता है आपको कहीं कहीं सुनने को, देखने को टीवी में और अन्य साधनों के माध्यम के द्वारा, अन्य मीडिया के माध्यम से भी आपको प्राप्त होता है। ज्योतिष के बहुत सारे स्कंध आपको देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से यदि हम बात करें तो ज्योतिष शास्त्र के प्रधान स्कंध के अतिरिक्त बहुस्कंधात्मक ज्योतिष का भी उल्लेख हमें शास्त्रों में मिलता है। तो मित्रों, अब हम आगे प्रवर्तक और आचार्य की बात करते हैं। तो सर्वप्रथम आपको यह समझ लेना चाहिए कि प्रवर्तक का अर्थ होता है ऋषि, प्रवर्तक का अर्थ होता है ऋषि, और ऋषि दृष्टा होता है, अर्थात वह हमेशा उसको वर्तमान की घटना, भूत की घटना या भविष्य की घटना, तीनों काल की घटना जो है वह अपने तपोबल के आधार पर देखने में सामर्थ्य रखता है और वो देख लेता है। मित्रों, वह अपने तपोबल के आधार पर त्रिकाल में होने वाली घटनाओं का दर्शन कर लेता है, उसको प्रत्यक्षानुभूति कर लेता है। तो इस वजह से प्रवर्तक जो है वह दृष्टा होता है, जिसको हम ऋषि के रूप में भी जानते हैं। काश्यप संहिता के अनुसार ज्योतिष शास्त्र के प्रधान अष्टादश प्रवर्तक हैं। अष्टादश संस्कृत में 18 को कहते हैं। तो यह 18 जो प्रवर्तक हैं, ऋषि हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र के, वो काश्यप संहिता के अनुसार कौन कौन से हैं आप उनका भी नाम जान लीजिए। कौन कौन से उनके नाम है, तो उनके नाम है सूर्य, दूसरा नाम है पितामह, पितामह को ही हम ब्रह्मा के नाम से भी जानते हैं, तीसरा वेदव्यास, और चौथा वशिष्ठ, पांचवा अत्रि, छठा जो है वो पराशर, सातवां कश्यप, आठवां नारद, नौवां गर्ग, दसवां मरीचि, ग्यारहवां मनु, बारहवां अंगिरा, तेरहवां नाम जो है वह है लोमश का, और चौदहवां नाम पॉलिश का, पंद्रहवां जो है महर्षि च्यवन का, सोलहवां नाम जो है यवन का, सत्रहवां नाम जो है भृगु का, और अठारहवां और अंतिम नाम है शौनक का। तो शौनकादि ऋषि को भी हम यदि शौनक से ही वो समझ सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं होनी चाहिए। तो अष्टादश प्रवर्तक में सूर्य से लेकर के, भगवान सूर्य से लेकर शौनकादि ऋषि पर्यंत, यह अष्टादश प्रवर्तक ज्योतिष शास्त्र के बतलाए गए हैं। मित्रों, आपको यह जानना चाहिए, जब आप ज्योतिष शास्त्र के परिचय के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो निसंदेह आपको यह जानना चाहिए कि ज्योतिष शास्त्र जो है वह एक पारंपरिक शास्त्र है, और यह एक विषय नहीं अपितु शास्त्र है। मित्रों, आपको यह भी जानना चाहिए कि समस्त विद्याओं का मूल भारतीय वैदिक सनातन परंपरा में वेद को कहा गया है, और वेद के 6 अंग हैं,
प्रथम शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण, चौथा निरुक्त, पांचवा छंद और छठा जो है वो ज्योतिष। यह छह जो हैं अंग कहे गए हैं। इन्हीं छह अंगों को शास्त्र के नाम से भी हम जानते हैं अथवा वेदांग के नाम से भी हम इनको जानते हैं। तो वेद का अंग होने के कारण ज्योतिष को वेदांग भी कहा गया है, काल नियामक होने के कारण इसको कालशास्त्र भी कहा गया है, और इसी क्रम में इसके प्रधान तीन स्कंद हो गए और अष्टादश प्रवर्तक हुए, जो सूर्य से लेकर के और शौनकादि ऋषि पर्यंत ये अष्टादश प्रमुख प्रवर्तक इनके कहे गए हैं। मित्रों, आचार्य की बात करें तो आचार्य का अर्थ होता है व्यवस्थापक, अर्थात आचार्य जो है वो शास्त्र को व्यवस्थित करके लोक में उसका प्रचार प्रसार करने और कराने का, दोनों का उत्तरदायित्व जो है वो आचार्य के पास होता है। आचार्य क्या करता है, वह शास्त्र को व्यवस्थित करता है और व्यवस्थित करके लोक में उसे स्थापित करता है। और इसमें ज्योतिष शास्त्र के यदि हम आचार्य की बात करें तो सर्वप्रथम नाम जो है महात्मा लघत का आता है, क्योंकि उसके पूर्व जो है ज्योतिष हमें शंकर बालकृष्ण दीक्षित जी की जो भारतीय ज्योतिष का इतिहास है उस ग्रंथ में यह मिलता है कि ऋग ज्योतिष, साम ज्योतिष, यजुर्वेदिष, अथर्व ज्योतिष, इसका उल्लेख मिलता है। तो ये भी कहीं ना कहीं ये वैदिक कालीन ही है, सारे वैदिक कालीन, क्योंकि ऋग्वेद का काल जो है सर्वप्रथम माना गया है कि वही सर्व सृष्टि का प्रथम ग्रंथ है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद जो है उस काल से ही, ऋग्वैदिक काल से ही ज्योतिष शास्त्र की भी उत्पत्ति यह बतलाया गया है। तो उसमें उस कालखंड में कोई ज्योतिष का स्वतंत्र रूप से कोई ग्रंथ नहीं था, इसलिए फिर सर्वप्रथम ज्योतिष को एक वेदांग ज्योतिष लिख करके महात्मा लघत नाम के एक आचार्य हुए जिन्होंने ज्योतिष को स्वतंत्र रूप से प्रतिपादित करने का कार्य किया। इसलिए व्यवस्था की यदि बात करेंगे, आचार्य की जब हम बात करेंगे, तो उसमें प्रथम नाम जो है ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत महात्मा लघत का आता है। लघत के पश्चात बहुत सारे नाम हमें ज्योतिष शास्त्र के आचार्यों के मिलते हैं, उसमें प्रमुख जो हैं वो प्रमुख रूप से जो नाम आते हैं आचार्यों के, उसमें मैं नाम ले रहा हूँ आप लोगों के समक्ष। आर्यभट्ट का नाम आता है, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, आचार्य लल, भास्कर आचार्य, पृथ्वी यशस, कमलाकर, केशव, गणेश, मकरंद, रामदैवज्ञ, आचार्य वेंकट, और 18वीं शताब्दी के महामहोपाध्याय सुधाकर द्विवेदी, बापूदेव शास्त्री, रामयत्न ओझा, 19वीं शताब्दी में राम व्यास पांडे, अवध बिहारी त्रिपाठी, राजमोहन उपाध्याय, और ये वर्तमान में भी 2015 तक जीवित थे जिनका नाम पंडित हीरालाल मिश्र और सज्जिदानंद मिश्र, ये दोनों काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आचार्य के पद पे थे। और भारत में सुप्रसिद्ध जो पंचांग है ऋषिकेश पंचांग, उसका अनवरत पूरा जीवन जो है, पूरे जीवन कालखंड उसका निर्माण किया है आचार्य पंडित हीरालाल मिश्र जी ने, उनका भी नाम मैं लेता हूँ। और उसी क्रम में अभी जीवित हैं आचार्य रामचंद्र पांडे जी, ये भी त्रिस्कंध ज्योतिष मर्मज्ञ हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति लब्ध विद्वान के रूप में आज प्रतिष्ठित हैं, और आज भी ये जीवित हैं और अपने लेखनी के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से ज्योतिष जगत को हमेशा पुष्पवित और पल्लवित करने का प्रयास इनका हमेशा निरंतर जारी रहता है। ऐसे आचार्य रामचंद्र पांडे गुरु जी का नाम भी मैं लेना चाहूँगा, और इसके अतिरिक्त भी अन्य बहुत सारे आचार्य हैं, वहाँ एक एक का नाम यहाँ लेना संभव नहीं होगा। तो वीडियो में मैं बस इतना ही बता रहा हूँ आपको कि प्रमुख रूप से जो आचार्य थे वो ये हैं। अब हम ज्योतिष शास्त्र के परिचय की जब बात कर रहे हैं तो इसका संक्षिप्त इतिहास भी, या एक इतिहास पक्ष इसका क्या हो सकता है, ऐतिहासिक पक्ष, हम उस पर भी बात करते हैं। तो मित्रों, आपको जान के यह अच्छा लगेगा कि ज्योतिष शास्त्र का इतिहास ब्रह्मांडोत्पत्ति के साथ ही प्रारंभ होता है तथा उसके अवसान पर्यंत अविच्छिन्न रूप से इसकी जो गति है वह गतिमान है। अर्थात ज्योतिष शास्त्र न कि केवल वैदिक काल का है अथवा सिद्धांत काल का है अथवा आज का वर्तमान काल का है, ऐसा नहीं है। ज्योतिष शास्त्र का इतिहास जो है वो ब्रह्मांडोत्पत्ति के साथ ही आरंभ होता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो सूर्य सिद्धांत का जो प्रमुख एक श्लोक है मध्यमाधिकार का, ग्रहर्च देव दैत्यादि सृजितो अस्य चराचरम कृतादि वेदा दिव्याब्दा शतघ्ना वेद सोगता, अर्थात जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो उसी समय ग्रह को, आर्ष मुने नक्षत्र को, और नक्षत्र पिंडों को, तारा को, और समस्त सृष्टि में जो चराचर प्राणी है उन सभी को, और देव को, दैत्य को, इन सभी को सृजन करने में उनको 47,400 दिव्य वर्ष लगे थे। अर्थात कृतादि वेदा, कृतादि में कृत मने चार, अद्रि मने सात, है ना, और वेद मने चार, तो अंका नाम बामनो गति इति नियमे न अत्र 47,400 दिव्य वर्षाणी भवंती थी, अर्थात 47,400 दिव्य वर्ष लगे थे।
किसको? ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि बनाया तो उसी समय ग्रह नक्षत्र आदि पिंडों का निर्माण कर दिया था। तो इसलिए ज्योतिष शास्त्र का इतिहास जो है वो ब्रह्मांडोत्पत्ति के साथ ही प्रारंभ हो गया, और जब तक सृष्टि रहेगी मतलब इसका जब तक अवसान होगा है ना, तब तक यह अविच्छिन्न रूप से ज्योतिष शास्त्र जो है वो गतिमान है और रहेगा। अच्छा, अब इसका हम और यदि ऐतिहासिक दृष्टि देखते हैं तो कालांतर में लोगों ने यह कहा कि ऋग्वेद के काल से ज्योतिष शास्त्र की उत्पत्ति मानी गई है। यद्यपि इस कालखंड में ज्योतिष शास्त्र का कोई भी स्वतंत्र ग्रंथ उपलब्ध नहीं होता है, परंतु ज्योतिष शास्त्र के अनेक विषय वेदों के मंत्र भाग एवं संहिता भाग से ग्रहण किए गए हैं। मित्रों, भारतीय ज्योतिष का यदि हम इतिहास पढ़ेंगे, शंकर बालकृष्ण दीक्षित जी का, शिवनाथ झारखंडी जी का, तो हमें यह प्राप्त होता है कि वहाँ पे भी ऋग ज्योतिष, याजु ज्योतिष, अथर्व ज्योतिष का उल्लेख हमें मिलता है। तो इसलिए ऐसा नहीं था कि वैदिक काल में ज्योतिष नहीं था, वैदिक काल में भी था, प्राग वैदिक काल में भी था, और वेदांग काल में भी था, सिद्धांत काल में भी था, और आधुनिक काल में भी था। तो आपको ज्योतिष शास्त्र के इतिहास की जब हम बात करेंगे तो उस प्राग वैदिक काल से लेकर के और आधुनिक काल तक भी है और सृष्टि के अवसान पर्यंत तक रहेगा। यह संक्षिप्त इतिहास जो है आपको जानना चाहिए। और इसका एक और शास्त्र में उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मा जी से आरंभ कर करके एक क्रम मिलता है। जैसे हमने कहा कि ज्योतिष एक पारंपरिक शास्त्र है, तो उसमें हमें एक मिलता है कि ब्रह्मा प्राह च नारदाय हिमगुरु, तो यह एक श्लोक मिलता है आचार्य कमलाकर भट्ट जी के सिद्धांत तत्व विवेक नामक ग्रंथ में। तो वहां भी हमें मिलता है कि ब्रह्मा जी से आरंभ कर करके, जैसे ब्रह्मा जी ने नारद को दिया, फिर चंद्रमा ने शौनक को दिया, नारायण ने वशिष्ठ को दिया, रोमक ने मांडव्य को दिया, सूर्य ने जो है वो दानवराजमय को दिया। वही सूर्य और दानवराजमय का परस्पर संवाद रूपी ग्रंथ है सूर्य सिद्धांत, जिसको हम लोग जानते हैं। तो यह एक लंबी परंपरा हमें मिलती है ज्योतिष शास्त्र की। ऐसा नहीं है कि ज्योतिष जो है वो आज का हो गया और इसको लोग जो है अपने अलग रूप में देखने लगे हैं। आजकल तो तथाकथित लोग इसकी उपहास भी उड़ाते हैं मित्रों, लेकिन ऐसा है नहीं। इसकी चर्चा हम आपको आगे, जब हम एमए ज्योतिष के छात्रों के लिए ये यूनिट लेकर आए हैं, तो हम आगे के क्रमशः इसके जो इकाई का आपको लेकर के आएंगे, तो आप लोगों को हम बताते चलेंगे। आपके जितने भी भ्रम होंगे, जितने भी शंका और समाधान होंगे, वो सब मैं वीडियो के माध्यम से भी करते चला जाऊँगा। उसी बहाने आपके जो इकाई है, पाठ है, उसका भी आपको ज्ञान मिल जाएगा, और उससे पाठ से भी इतर उस इकाई में और क्या विषय जोड़ा जा सकता था उसको हम अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाएंगे। अब दो लाइन हम ज्योतिष शास्त्र के उपयोगिता की भी बात करेंगे मित्रों, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र का परिचय की हम बात कर रहे हैं तो उसमें उपयोगिता भी उसका आना चाहिए। इंपॉर्टेंस क्या है उसका, क्यों हम ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करें, तो उसमें थोड़ी सी हम दो चार शब्दों में ही कह करके अपनी बात को रखेंगे आप तक। तो ज्योतिष शास्त्र की उपयोगिता जो है, मनुष्य के गर्भ निर्धारण के पूर्व से लेकर के उसके मृत्यु पर्यंत समस्त क्रियाकलापों मतलब आद्योपांत में है, यदि देखा जाए। कैसे? क्योंकि गर्भ निर्धारण यदि करना है तो उसका भी ज्ञान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से किया जाता है, क्योंकि हमें संस्कार प्रकरण में मिलता है आद्यम रजः शुभम माग मार्ग राधेश फाल्गुने ज्येष्ठ श्रावण यो शुक्ले सद्वारे सप्तनु दिवा। अर्थात संस्कार की बात करते हैं वहां पे, तो गर्भाधान से पूर्व की संस्कार, पहले वो रजो दर्शन की बात किया है कि कब कब रजो दर्शन शुभ होता है, तो आद्यम रजः शुभम माग मार्ग राधेश फाल्गुने ज्येष्ठ श्रावण यो शुक्ले सद्वारे सप्तनु दिवा। और रजो दर्शन के बाद से हम वो जानते हैं कि कब वो जो है गर्भाधान संस्कार करेगा, तभी तो व्यक्ति वो शिशु जो है वो गर्भ में आएगा। तो गर्भाधान के पूर्व मैंने किस कालखंड में गर्भाधान करें, इसका भी निर्णय ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से करता है। तो आप सोचिए कि ज्योतिष ऐसा नहीं है कि मनुष्य का अस्तित्व जब आरंभ होता है तब से, बल्कि उसके अस्तित्व के आरंभ से, इसीलिए मैंने कहा कि गर्भ निर्धारण के पूर्व से ही ज्योतिष शास्त्र का आप्य अधिकार हो जाता है। वह बताता है कि किस कालखंड में गर्भ निर्धारण करे तो उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी अथवा उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। तो यह ज्ञान भी ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से होता है। तत्पश्चात गर्भाधारण करने के बाद शिशु का जन्म होता है, और गर्भाधान करने के बाद जब बच्चा गर्भ में आता है तो उसमें भी उसके 9 महीने की बालक की क्या क्या स्थिति होती है, इसका भी ज्ञान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से किया जाता है कि प्रथम मास में उसका क्या होता है, रक्त का संचय होता है, फिर दूसरा जो है पिंड का निर्माण होता है, फिर जो है वो आगे मज्जा बनता है, फिर उसका अस्थि बनता है, और क्रम से जो है तीसरे चौथे महीने में शिशु का ये ज्ञान हो जाता है, लिंग निर्धारण जो है उसका कर लेते हैं कि बालक है कि बालिका है। तो ये सारे ज्ञान जो है समस्त ज्योतिष शास्त्र में आपको मिलेगा। अब गर्भाधान हो गया तो गर्भाधान के बाद शिशु की हम उसका 9 महीने का भी वृत्तांत देख लिए। जैसे हमने पुंसवनम संस्कार की एक बात आती है ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत, जो कहता है कि पूर्वोदित ही पुंसवनम विधेयम मासे तृतीये तथा विष्णु पूजा मासिष्ट में विष्णु विधात्र जीवर लग्ने मृत्यु गृहे च शुद्धे जीवर लग्ने गृहे च शुद्धे। तो
वो बताता है कि पुंसवनम संस्कार कैसे करते हैं। तो वो गर्भ में जब शिशु होता है तो तृतीय मास में ही वो किया जाता है। वो क्या होता है कि शिशु के रक्षार्थ जो है भगवान विष्णु की पूजा की जाती है पुंसवनम संस्कार के अंतर्गत। तो हमें वो पुंसवनम संस्कार की भी बात तीसरे महीने में वहां मिलता है। उसी क्रम में 9वें महीने तक जितने संस्कार हो सकते हैं वो सारे संस्कारों का उल्लेख हमें ज्योतिष में मिलता है। तत्पश्चात शिशु का उत्पत्ति होता है। उसके बाद उसके जितने संस्कार हो रहे हैं उत्पत्ति के बाद, एक तो गर्भ के पूर्व हुआ, फिर गर्भ में आने के बाद हुआ, फिर गर्भ में से जब बाहर वो निकल गया, शिशु का जब जन्म हो गया, तब भी उसके प्रतिपल का मतलब क्षण क्षण का जो भी संस्कार होगा, जैसे 10वें दिन उसका, 11वें दिन, 12वें दिन, 10वें दिन उसका जो नामकरण संस्कार होगा, तो वो भी ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत कहा गया, तज्जात कर्मादि शिशोर विधेयम परवाख रिक्तो न तिथो शुभन्नी एकादशे द्वादश के पिघस्रे मृदु धुरक्षी प्रचुरो डुसो स्यात्। यह श्लोक हमें रामदेवज्ञ के मुहूर्त चिंतामणि नामक ग्रंथ में मिलता है मित्रों। तो निसंदेह जो है वो नामकरण का हो गया। उसके बाद से जो है फिर आगे बढ़ते हैं हम, तो अन्न प्राशन जब 6ठे मास में होता है, 5वें मास में बालिका का होता है, 6ठे मास में जो है पुत्र का होता है, तो उसका भी हमें उल्लेख मिलता है वहाँ पे कि कैसे हम उनका अन्नप्राशन संस्कार कराएं। उसके बाद आगे फिर यज्ञोपवीत संस्कार होता है, मुंडन संस्कार होता है ना। इसी क्रम में बालक जब बाल्यकाल में है, 5 वर्ष तक जितने भी संस्कार होते हैं उसका उल्लेख हमें मिलता है। और उसके पश्चात भी विवाह आदि संस्कार, वेदाध्ययन संस्कार, वेदाध्ययन संस्कार, और फिर इसको आप कह सकते हैं कि वो विद्यारंभ का संस्कार। विद्यारंभ संस्कार मतलब कब उसको विद्यारंभ कराना चाहिए शिशु को, उसका भी मुहूर्त मिलता है। और उसी पश्चात आगे फिर जब वो उसका जब वो यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो वेदाध्ययन संस्कार कैसे कर सकता है, तो इसका भी उल्लेख ज्योतिष में मिलता है। तो वेदाध्ययन के पश्चात उसी क्रम में और आगे बढ़ते चले जाइए। तो मतलब मैं देख आपको यह बताना चाह रहा हूँ कि गर्भ के पूर्व से लेकर के और उसके मृत्यु पर्यंत उसके जीवन से जुड़े जितने भी संस्कार हैं मानव मात्र के, मैं कि केवल इसको एक धर्म में नहीं बांध रहा हूँ अपितु प्रत्येक मनुष्य के लिए कह रहा हूँ। ज्योतिष शास्त्र केवल एक व्यक्ति विशेष का नहीं है मित्रों, यह समष्टि परक है। यह जो है किसी एक के हित की बात नहीं करता अपितु संपूर्ण विश्व की बात करता है, संपूर्ण विश्व के हित की बात करता है। तो उसी क्रम में उसके मृत्यु पर्यंत एक व्यक्ति के उसके गर्भ निर्धारण के पूर्व से लेकर के उसके मृत्यु पर्यंत जितने भी क्रियाकलाप होंगे, आद्योपान शुरू से लेकर अंत तक, उन समस्त क्रियाकलापों में ज्योतिष शास्त्र की उपयोगिता हमें दिखलाई पड़ती है। क्योंकि जब हम ज्योतिष शास्त्र की गंभीरता से अध्ययन करेंगे मित्रों, तो ऋषियों ने इसको हमें सीधे मानव जीवन से जोड़ करके बतलाया है। और कहीं ना कहीं ये एक जन्म की ही बात नहीं करता है मित्रों। वराहमिहिर ने तो कहा है कि यदुपचित मन्य जन्मनि शुभा शुभा तस्य कर्मणः पंक्तिम व्यंजयति शास्त्र में तत् तमसी द्रव्याणि दीपैव। अर्थात वह पूर्व जन्म की भी बात करते हैं कि पूर्व जन्म में कृत जो शुभाशुभ कर्म है उसका फल भी मनुष्य को प्रारब्ध के रूप में मिलता है, वही भाग्य बनता है, न कि वर्तमान जन्म जीवन जो मिला है मनुष्य को। तो वो कर्म करेगा तब तो फल मिलेगा। तो इसका मतलब है कि कर्म तो उसने किया ही नहीं शिशु ने, तो उसको फल कैसे मिलेगा। इसका मतलब है कहीं ना कहीं इसका जन्म जन्मांतर से संबंध है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र का संबंध मनुष्य के जन्म जन्मांतरों से जुड़ा हुआ है। इसीलिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ज्योतिष जो है वो मानव मात्र को प्रभावित करते रहता है मित्रों। चाहे उसके लिए हम शारीरिक स्थिति की बात करें, उसके मानसिक स्थिति की बात करें, उसके दैहिक विकारों की बात करें, तो ये सब का सब जो है ज्योतिष शास्त्र से संबंध रखता है। इसके बहुत इसीलिए इसके बहुत स्कंधात्मक ज्योतिष की हम बात करते हैं। जब हम ज्योतिष शास्त्र के जब आपको परिचय करा रहे थे तो उसमें हमने बताया कि बहुत स्कंधात्मक ज्योतिष है। शायद ही जीवन का कोई ऐसा पहलू है जो ज्योतिष शास्त्र से अछूता है मित्रों। आज आप इतना ही जानिए ज्योतिष शास्त्र के परिचय में। आगे दूसरे यूनिट में हम एमए ज्योतिष के विद्यार्थियों के लिए जो उनका इकाई है उसको लेकर के हम उपस्थित होंगे पुनः। अब यह जो प्रकल्प एक हमने आरंभ कर दिया है मित्रों, इससे ज्योतिष शास्त्र के विद्यार्थी ही नहीं अपितु आशा है कि ज्योतिष शास्त्र से जुड़े जितने भी आस्थावान हैं, जितने भी इसके अध्येता हैं, जो ज्योतिष शास्त्र को जानना चाहते हैं, जो जो जिसको ज्योतिष शास्त्र में रुचि है, तो वो सब भी इससे लाभान्वित होंगे ऐसा मैं मानता हूं। और मित्रों आपको इस वीडियो से यदि थोड़ा बहुत भी ज्ञान मिल सका ज्योतिष शास्त्र से संबंधित, तो मैं अपने इस व्याख्यान को सफल समझूंगा। और तब तक के लिए आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।